हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज आप देखने वाले हैं एक एक्शन क्राइम मूवी सीरीज द एक्सपेंडेबल्स का थर्ड पार्ट। तो गाइस, अगर आपने अभी तक इस सीरीज के इससे पहले दो पार्टों का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को मेरे इसी चैनल पर जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको इस मूवी सीरीज की स्टोरी सही से समझ में आ सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक्सपेंडेबल्स की टीम को, जो कि अपने ही एक साथी को बचाने के लिए एक ट्रैप तैयार कर रहे होते हैं। और यहीं हम एक ट्रेन देखते हैं जिसमें कुछ गार्ड इनके साथी को पकड़कर ले जा रहे थे। तभी यहाँ ये एक्सपेंडेबल्स की टीम अपने चॉपर से आकर इस ट्रेन पर हमला कर देती है। और इस हमले में इस ट्रेन में सवार सभी गार्ड और एक्सपेंडेबल्स की टीम के बीच में काफी फाइट होती है। और इसी फाइट के बीच क्रिसमस इस ट्रेन के अंदर पहुंचकर अपने उस डॉक नाम के साथी को बचा लेता है, जिसको ये लोग बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और क्रिसमस जब डॉक को लेकर यहाँ से जाने लगता है तो वो देखता है कि डॉक यहाँ पर लगी एक जनरल की फोटो को घूर रहा होता है। इस फोटो को घूरते हुए डॉक ट्रेन को इस बिल्डिंग में घुसा देता है, जिससे वो बिल्डिंग वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है और इसी ब्लास्ट में वो जनरल वहाँ पर मारा जाता है। इस तरह डॉक का रिवेंज वहाँ पर पूरा होता है और अब डॉक वहाँ से सभी एक्सपेंडेबल्स के साथ जाने लगता है। और अब प्लेन में जाते समय बर्नी क्रिसमस को बताता है कि डॉक की लोकेशन उसे ट्रेंच ने दी थी, क्योंकि डॉक ने एक गवर्नर को मारने की सुपारी ली थी जिसके चलते वो पकड़ा गया था। और डॉक का ये जुर्म इतना संगीन था जिसके चलते उसे इस तरह की जेल में ले जा रहे थे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। बार्नी क्रिसमस को ये सब बताते हुए सभी से बोलता है कि हम सभी लोग एक मिशन पर जा रहे हैं, जहां विक्टर नाम का एक गन्स डीलर थर्मोबैरिक बॉम्ब की डील करने वाला है और इस डील को हमें रोकना है। यहीं डॉक बार्नी से बोलता है कि मेरे पास तो मेरे फाइट करने के हथियार भी नहीं है। तभी बार्नी काफी सारे चाकुओं को निकालकर डॉक को देता है, जिसे देखकर डॉक काफी खुश हो जाता है, क्योंकि डॉक चाकू चलाने में काफी माहिर था और ये उसी के पुराने चाकू थे जिन्हें वो मिशन के दौरान फाइटिंग में यूज किया करता था। इस तरह ये सभी लोग जब सोमाले आइलैंड पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से सीजर इन सभी लोगों को विक्टर की लोकेशन पर ले जाता है, जहाँ पर वो डील होने वाली थी। यहाँ डॉक अपनी फुर्ती दिखाते हुए रास्ते को क्लियर करता है और ये सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और विक्टर के आने का वेट करने लगते हैं। और कुछ ही समय बाद जब विक्टर यहाँ आ जाता है तो उसे देखकर डॉक और बार्नी दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि विक्टर का असली नाम स्टोनबैंक था और ये एक्सपेंडेबल टीम का सबसे पुराना साथी था। जिस समय एक्सपेंडेबल टीम को बनाया गया था उस समय स्टोनबैंक भी बार्नी का ही एक साथी था, जिसने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में गलत काम करते हुए एक्सपेंडेबल टीम को छोड़ दिया था। और बार्नी ने स्टोनबैंक को एक गलत काम के चलते मार दिया था, इसलिए स्टोनबैंक को दोबारा जिंदा देखकर बार्नी काफी हैरान था। ये सब देखकर बार्नी जब स्टोनबैंक पर हमला करने लगता है तभी स्टोनबैंक इस हमले में बचकर वहाँ से भाग जाता है। और भागते हुए स्टोनबैंक जब अपने प्लेन में जाकर बैठ जाता है तो वहाँ से बार्नी पर एक स्नाइपर से निशाना लगाने लगता है, जिसमें स्टोनबैंक बार्नी की जगह वहाँ खड़े बार्नी के साथी सीजर को इस स्नाइपर से शूट कर देता है और इन सभी एक्सपेंडेबल की टीम को खत्म करने के लिए यहाँ पर एक मिसाइल फेंक देता है, जिससे ये सभी एक्सपेंडेबल की टीम यहाँ से जैसे तैसे करके उस मिसाइल से बचते हुए सीजर को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है, क्योंकि सीजर की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बार्नी के ये सभी साथी सीजर को वहां पर एडमिट करा देते हैं। तभी बार्नी वहां पर अपनी लकी रिंग सीजर के पास रखकर वहां से चला जाता है। और हॉस्पिटल के बाहर आते ही बर्नी यहां पर देखता है कि चर्च की जगह यहां पर नया CIA एजेंट आया हुआ था, जो बर्नी पर नाराज होते हुए बर्नी से बोलता है कि तुमने स्टोनबैंक को हमारे हाथ से निकाल दिया, क्योंकि अब दोबारा से स्टोनबैंक की लोकेशन का पता करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए ये लास्ट मौका था हमारे पास स्टोनबैंक को पकड़कर उसे कोर्ट तक ले जाने का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टोनबैंक को, जो रसिया में एक पेंटिंग खरीदने के लिए आया हुआ था। और इस पेंटिंग को देखकर स्टोनबैंक वहां पर बोलता है कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये इतनी महंगी है। तभी वहां खड़ा एक आदमी इस पेंटिंग की खासियत बताते हुए स्टोनबैंक को इसकी कीमत बताने लगता है, और इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है, लेकिन स्टोनबैंक को पेंटिंग का काफी शौक था इसलिए वो इस पेंटिंग को वहाँ पर खरीद लेता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक्सपेंडेबल्स की टीम पर, जहाँ हम देखते हैं कि बर्नी अपने सभी साथियों से बोलता है कि हम इस तरह काम करना बंद करेंगे। ये बोलते हुए बर्नी अपने इन सभी एक्सपेंडेबल साथियों को इस मिशन से निकाल देता है और बोलता है कि इसके बाद अब हम कोई मिशन साथ नहीं करेंगे, क्योंकि बर्नी सीजर की इस हालत को देखकर काफी डर गया था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और एक्सपेंडेबल मेंबर की इस तरह की हालत हो। इसलिए बर्नी सभी को इस मिशन से निकालते हुए बोलता है कि आज के बाद ना तो हम कोई एक्सपेंडेबल हैं और ना ही कभी साथ काम करेंगे, और तुम सभी भी अपने घर जाओ और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो।
ये बोलते हुए बर्नी वहाँ से जाने लगता है। तभी क्रिसमस उसके पास आकर बोलता है कि ये सब तुम क्या कर रहे हो और हम लोग एक टीम है और हमारा यही परिवार है। लेकिन बर्नी पर क्रिसमस की बात का कोई असर नहीं होता है और वो यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि बर्नी यहाँ से सीधा बोनापार्ट नाम के एक आदमी के पास पहुँचता है, जहाँ बर्नी बोनापार्ट से बोलता है कि मुझे एक नई टीम चाहिए जिसमें सभी लोग काफी यंग और काफी इंटेलिजेंट होने चाहिए। बर्नी की ये बात सुनकर बोनापार्ट बर्नी को लेकर उसके लिए टीम इकट्ठी करने के लिए लग जाता है। इसी दौरान बर्नी की मुलाकात एक गैल्गो नाम के आदमी से होती है जो काफी फुर्तीला था, लेकिन वो बर्नी की ही एज का था, इसलिए बर्नी गैल्गो को अपनी टीम में रखने से वहाँ पर मना कर देता है। ये देखकर गैल्गो वहाँ पर काफी उदास हो जाता है। फिर हम देखते हैं मैक्स को, जो कि चर्च की जगह पर CIA एजेंट बनकर आया हुआ था। और मैक्स जब बर्नी के पास पहुँचता है तो वो बर्नी को बताते हुए बोलता है कि हमें स्टोन बैंक की लोकेशन मिल गई है और तुम्हें इस मिशन में स्टोन बैंक को जिंदा पकड़ना होगा, जिससे कि हमारी सरकार स्टोन बैंक को कोर्ट में ले जाकर उसे वहाँ पर सजा दिलवा सके। ये बोलते हुए मैक्स वहाँ से चला जाता है और बर्नी अपनी नई टीम को इस मिशन के लिए तैयार करने लगता है। और बर्नी जब इस अपनी नई टीम को लेकर इस मिशन पर जाने लगता है, तभी वहाँ पर उसकी पुरानी टीम के साथी आ जाते हैं, जो बर्नी की इस नई टीम को देखकर इनके लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन बर्नी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो अपनी इस नई टीम को लेकर यहाँ से मिशन के लिए निकल जाता है। यहीं बर्नी का दोस्त ट्रेंच इस मिशन में बर्नी का साथ देने के लिए उसके साथ जाता है। इस मिशन पर जाते समय बर्नी की नई टीम का उसका एक स्माइल नाम का साथी बर्नी से पूछता है कि मुझे स्टोन बैंक के बारे में सारी जानकारी दो, क्योंकि मुझे स्टोन बैंक के बारे में जब तक सब कुछ पता नहीं चलेगा तब तक मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगा। और इस्माइल की बात को सुनते हुए बर्नी इस्माइल को एक फाइल देता है जिसमें स्टोन बैंक के सभी काले कामों की लिस्ट होती है। तभी इस्माइल उस फाइल में स्टोन बैंक के हाथ पर एक्सपेंडेबल के उस टैटू को देखता है जिसे सभी एक्सपेंडेबल अपने हाथ पर बनवाया करते थे, जिससे इस्माइल को पता चलता है कि स्टोन बैंक भी कभी एक्सपेंडेबल्स की टीम का ही एक मेंबर था, जिसने पैसों के कुछ लालच में आकर अपनी एक्सपेंडेबल टीम को धोखा दिया था और तभी से वो इस एक्सपेंडेबल टीम से निकाल दिया गया था। और अब ये सभी लोग रोमानिया पहुंच जाते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि स्टोन बैंक की सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। ये देखते हुए ये स्टोन बैंक की छोटी छोटी हरकतों को नोट करने लगते हैं और ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर वहाँ पर सोचने लगते हैं कि स्टोन बैंक को इस तरह से नहीं पकड़ा जा सकता है। तभी ये सभी लोग एक प्लान बनाते हुए बोलते हैं कि हम सभी लोग स्टोन बैंक को उसकी मीटिंग के समय पर पकड़ेंगे। ये बोलते हुए ये सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। यही इस एक्सपेंडेबल की नई टीम में थॉर नाम का एक टेक्नीशियन स्टोन बैंक की इस मीटिंग वाली जगह की सिक्योरिटी को हैक कर लेता है और इन सभी को वहाँ अंदर भेज देता है। अंदर पहुँचने के बाद ये सभी लोग देखते हैं कि स्टोन बैंक के पास एक बाटा नाम का आदमी आया हुआ था, जिससे स्टोन बैंक थर्मोबैरिक बॉम्ब की डील करता है। तभी बाटा इस थर्मोबैरिक बॉम्ब की डील को डन करते हुए स्टोन बैंक से न्यूक्लियर बॉम्ब की डिमांड करता है और बाटा की इस न्यूक्लियर बॉम्ब की डिमांड को लेकर स्टोन बैंक उससे थोड़ा टाइम मांगता है। और यही हम देखते हैं कि जब बर्नी की ये पूरी टीम स्टोन बैंक के आदमियों पर हमला करके उन्हें मारने लगती है, ये देखकर स्टोन बैंक यहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ पर लूना आकर उसे बेहोश करके यहाँ से ले जाती है। इस तरह बर्नी और उसकी ये पूरी टीम जब स्टोन बैंक को यहाँ से लेकर वैन में जा रहे होते हैं, तभी स्टोन बैंक अपनी पुरानी दोस्ती और फाइट को लेकर बर्नी को उकसाने लगता है। लेकिन यहाँ स्टोन बैंक के हाथ में बंधी उस घड़ी पर किसी का ध्यान नहीं जाता है जिसमें एक ट्रैकर लगा हुआ था और इस ट्रैकर की मदद से स्टोन बैंक के आदमी उसे ट्रैक कर लेते हैं और यहाँ पर इनकी वैन पर आकर हमला कर देते हैं। और इस हमले में जब बर्नी स्टोन बैंक को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर स्टोन बैंक का आदमी आकर एक ब्लास्ट करता है, जिससे बर्नी वहाँ पर पास ही में जाकर पानी में गिरता है। और स्टोन बैंक बर्नी की इस पूरी नई टीम को यहाँ से अपने साथ ले जाता है और अपने कुछ आदमियों को बर्नी को ढूंढने के लिए भेज देता है। और मॉर्निंग में जब स्टोन बैंक के आदमी बर्नी को वहाँ पर ढूंढ लेते हैं तो वो बर्नी के बारे में स्टोन बैंक को जब कॉल करके बताने लगते हैं, तभी वहाँ पर बर्नी उन सभी को मार देता है। फिर बर्नी यहाँ से जाकर ट्रेन से मिलता है, जिसके पास स्टोन बैंक का एक वीडियो मैसेज आया हुआ था और इस मैसेज में स्टोन बैंक बर्नी को उसकी नई टीम को बचाने के लिए 48 घंटे का टाइम देता है। ये देखकर जब बर्नी अपने शहर आ जाता है तो यहाँ आकर अपने वेपन्स को इकट्ठा करने लगता है और यहीं बर्नी देखता है कि यहाँ पर गैल्गो आया हुआ था, जो बर्नी से बोलता है कि मुझे भी अपने साथ अपने मिशन में शामिल कर लो। और गैल्गो की इस बात पर बर्नी मान जाता है और ये दोनों लोग वेपन इकट्ठा
पीछा करके यहाँ से वैन में जब जाने लगते हैं, तभी यहाँ पर बर्नी की ये पुरानी वाली टीम बर्नी का इस मिशन में साथ देने के लिए आ जाती है और बर्नी यहाँ पर अपनी पुरानी टीम को देखकर काफी खुश होता है। तभी यहाँ बर्नी के पास मैक्स का कॉल आता है जिसमें मैक्स बर्नी को स्टोन बैंक की लोकेशन को बता देता है और अब बर्नी अपनी इस पुरानी टीम के साथ यहाँ से निकलता है और अब ये सभी लोग यहाँ से एक अवेंडन बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जहाँ पर स्टोन बैंक ने इनके सभी साथियों को बंदी बनाकर रखा हुआ था और ये सभी लोग जब वहाँ पर पहुंचकर उन सभी साथियों को छुड़ा लेते हैं, तभी वहाँ पर स्टोन बैंक के लगाए हुए बॉम्ब एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि कुछ ही देर में वहाँ पर ब्लास्ट होने वाले थे। तभी यहाँ वो टेक्नीशियन थॉर्न गनर के हाथ पर एक डिवाइस देखता है जिसकी मदद से वो इन सभी बॉम्ब के सिग्नल को जाम कर देता है। इस तरह थॉर्न यहाँ पर सभी बॉम्ब की टाइमिंग को रोक देता है। ये देखकर स्टोन बैंक यहाँ पर अपने सभी आदमियों को टैंक के साथ भेज देता है और इन टैंक की मदद से स्टोन बैंक के ये सभी आदमी इन लोगों पर हमला करने लगते हैं जो इन लोगों के साथ मिलकर स्टोन बैंक के आदमियों से काफी फाइट करते हैं जिसमें वो काफी सारे स्टोन बैंक के आदमियों को मार देते हैं। और जब ये एक्सपेंडेबल की टीम यहाँ से स्टोन बैंक के सभी आदमियों को मारकर जाने लगती है तभी यहाँ पर स्टोन बैंक आ जाता है और यही हम देखते हैं कि बार्नी और स्टोन बैंक के बीच में काफी तेज फाइट होती है जिसमें ये दोनों फाइट करते हुए बार्नी स्टोन बैंक को वहीं पर मार देता है। इस तरह ये सभी लोग स्टोन बैंक को मारकर यहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो गाइज अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे कि आप मेरे इस चैनल पर किसी भी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय।